हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस मैं फिर से इसी रास्ते आ रखा हूँ जो ये अल्टरनेटिव रूट बन रहा है। तो आज तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रखी है तो यहाँ पर काम भी चल रहा है। अभी पाइप वगैरह का तो रास्ता मेरे को लग रहा है वो डाइवर्ट करके बता रहे, कुछ बना रहे होंगे तब जाके पाइप लगेगा। तो आज तो नहीं लग पाएगा ये, अभी काफ़ी दिन का टाइम भी हो गया, 2:30 बज गए, लेकिन काम चल रहा है वो दिखाए तो मेरे को। और इसके अलावा उधर से ट्रक भी निकल रहे, और ये ट्रक वही है जो काफ़ी सामान ले जाते हैं। अभी क्या चक्कर है, पानी काफ़ी ज़्यादा रखा है वो देखो, एक ट्रक इधर तक आ गया, एक वहाँ पर है, दो यहाँ पर है। तो ये सारे ट्रक अभी रास्ता क्योंकि अपना खतरा लेके निकल ले, ऐसा भी हो सकता है कि बीच रास्ते में फंस भी जाए इनका ट्रक, ये संभावना भी है। तो पहले मैं आपको ट्रक की सिचुएशन बता देता हूँ, तब यहाँ पर देखेंगे जेसीबी क्या काम कर रही है। फंस गया था ट्रक, कहाँ पर फंसा था वो, तो वहीं नदी में। अब ये लाई गाड़ी खींच के, अब वो भी तो ट्रक है उधर, वो खड़ा का भी खड़ा हो नहीं रहा उसमें, डर के मारे। अच्छा नहीं निकल रहा ना, नहीं निकलेगा वो, बहुत पानी है। मैं कह रहा हूँ कब पानी काफ़ी जोर का आ रखा है। नहीं गाड़ी, कौन सी गाड़ी आपकी, ये स्कॉर्पियो, पानी जोर की आ रहा है। अच्छा पत्रकार, मैं कह रहा हूँ पानी बहुत जोर का नहीं निकल पाएगा, जोर से है पानी, फुल जोर से नहीं निकलेगा, धक्का दे के ले गए पीछे। तब ये बुलाया ना आपने क्रेन वाला? हाँ। नहीं नहीं, ये क्रेन वाला, फिर ये बुलाया जेसीबी वाला। हाँ। ये गाइस इन्होंने ना ये सारा रास्ता, कल मैं आपको बताया था कि इधर पाइप की फिटिंग होगी, तो इन्होंने पूरा पानी ब्लॉक हो गया गाइस, यहाँ पर एक भी बूंद इधर से पानी नहीं बह रहा है। इधर मोटर ढांग की तरफ है, बियर रोड भी इधर ही है, और सारा पानी इधर कंचनपुरी की तरफ शिफ्ट हो गया है। भाई हमसे तो नहीं निकल पाया, अब ये आ गया जेसीबी से, ट्रैक्टर को धक्का देगा निकलेगा तब। चुटकी में हो गया, भाई साहब मैंने, भाई लोग कह रहे थे कि कर्णाश्रम में अब बैरियर लगा दिया है, अब छोटी गाड़ी निकल पाएगी वहाँ से, तो ट्रैक्टर वगैरह भी अब यहीं से आना पड़ रहा है इन्हें, निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये फंस गया, वो फंस गया, गाइस ट्रक का बड़ा संजट हो गया। ऐसा हो गया कि एक तो डाइवर्ट हो गया जब से रास्ता, तब से पानी ज़्यादा फैल गया तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। परसों भी पानी इतना ही था लेकिन ट्रक निकल जा रहे थे। मेरे को तो भाई गाइस ऐसे चल, नदी के में चलने की आदत नहीं है, मेरे को बताऊँ क्या लग रहा है अभी। मेरे को ऐसा लग रहा है सब लोग अभी चल रहे होंगे, हो भी आएगा इस, मेरे को वाटर फोक गया यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये पानी चलता हुआ देख रहा हूँ तो सब चीज़ ऐसा लग रही है आगे की तरफ बढ़ रही है। बाय गॉड, मैं अभी आगे नहीं जा रहा गाइस उनके सामने, मेरे गिरने के चांसेस है। ये लोग तो उनका काम ही है नदियों में इधर उधर सप्लाई करना, भाई अपना काम नहीं है, अपना गिर जाओगे फोन भी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अभी बांध रहे हो रस्सी से, अभी देखना पड़ेगा जेसीबी आएगी अभी निकालने, अगर ये नाकाम रह जाते हैं। अब जेसीबी लोगों का ये काम नहीं है कि इन गाड़ियों को यहाँ पर निकाले बाहर, लेकिन अब मजबूरी उनकी भी है कि अब फंस गई तो अब उनको अपना काम छोड़ के इनके मदद के लिए आना पड़ रहा है। तो
तो गाइस ये कुछ हिसाब किताब इधर हो रखा है, पानी का डाइवर्ट हो चुका है पूरा इधर की तरफ, इधर की तरफ अब पूरा सूखा हो चुका है। और अब इधर पाइप भी फिट होंगे, लेकिन कब होंगे, आज होंगे कल होंगे वो अभी पूछेंगे। तो गाइस मेजरमेंट लिया जा रहा है, फिलहाल तो यहाँ से खाली किया जा रहा है, अभी पाइप ने इधर ही बिछना है। वो देखो उधर से बिल्कुल पानी, गाइस बंद हो गया गाना। अब पाइप कब से लगेगा, पाइप आज की कल सुबह, कल सुबह लगेगा, कल सुबह आऊँगा मैं, सुबह आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से पाइप फिट हो रहे। फिलहाल लेबर लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, उनके साथ ठेकेदार भी है, फिर वो दिक्कत भी है। तो वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना, कल आपको बताएंगे। फिलहाल तो यहाँ गाड़ियाँ फंस रही है बहुत ही संख्या में, एक दो तीन चार ट्रक फंस गए।